सरसों का तेल पौआ में खरीदा जा रहा है और गाड़ी का तेल भी पौआ में खरीदा जा रहा है। आज गांव का नौजवान जब मोटरसाइकिल लेकर जाता है पेट्रोल पंप पर तो 25 रुपए का तेल भरवाता है, कहता है एक पौआ तेल दे दो। हमारी माताएं बहनें घर में सब्जी बनाने के लिए तेल लेने जाती हैं तो कहती हैं 250 रुपए का तेल है, एक पौआ तेल दे दो। और जब बाजार में सब्जी खरीदने जाती हैं तब भी अब किलो में सब्जी नहीं खरीदी जाती है, पौआ में सब्जी खरीदी जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास ऐसे किया कि किलो से लोग पौआ पे आ गए। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले कई दिनों से जश्न मना रहे हैं, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया। आज इसकी हकीकत मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, गंभीरता से एक एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और पेट्रोल और डीजल के नाम पर इस देश की जनता के साथ कितनी बड़ी लूट हुई है इसका भी सच आपके सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो आने के बाद पहला काम उन्होंने किया डीजल को डीरेगुलेट कर दिया और कहा कि अब डीजल के दाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहेगा, कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटेगा तो डीजल और पेट्रोल का दाम घट जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में उस वक्त कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था $105 प्रति बैरल। इसको ध्यान से सुनिएगा, जब मोदी जी सत्ता में आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था $105 प्रति बैरल और तब हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम था ₹71 और डीजल का दाम था ₹57। और आज जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $83 प्रति बैरल है तो आपने देखा होगा जमानत जब्त होने के पहले, हार के पहले ₹112 में पेट्रोल बिका और ₹104 में डीजल बिका। मैं पूछना चाहता हूं बहुत सामान्य गणित से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कि जब $105 प्रति डॉलर कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था तब ₹71 पेट्रोल का दाम और ₹57 डीजल का दाम था, अब जब $83 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है तो इस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए आप गणित निकाल के हमें बता दीजिए। और पिछले 7 वर्षों में, अब याद करके मैं इस देश की जनता से भी कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और जनता से कहना चाहता हूं, याद कर लीजिए, एक भी घटना याद कर लीजिए, कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा हो और आपको राहत मिली हो हिंदुस्तान में, कभी नहीं हुआ। कोरोना के समय में तो $19 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम चला गया था, $19 प्रति बैरल। इसका मतलब हिंदुस्तान में तो ₹20 लीटर में पेट्रोल बिकना चाहिए था, ₹10 लीटर डीजल बिकना चाहिए था, लेकिन कभी कमी नहीं दी गई। जब आपने डीरेगुलेट किया और कहा कि अब तेल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े तो आप बढ़ाएंगे, घटे तो आप घटाएंगे नहीं। और आज तो घट गया, $83 प्रति बैरल हो गया। और आपको मालूम है हिंदुस्तान की जनता से कितना पैसा कमाया गया डीजल और पेट्रोल के नाम पर अकेले? 23 लाख करोड़ रुपया, 23 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों से लूट हुई है अकेले डीजल और पेट्रोल के दाम के नाम पर। और जितने भी साउथ एशिया के देश हैं, जितने भी हिंदुस्तान के पड़ोसी देश हैं, उन सारे पड़ोसी देशों में आधे से कम पे पेट्रोल और डीजल बिक रहा है या आधे से थोड़ा ज्यादा कहीं कहीं बिक रहा है।